अली तो अखिया खोलवा दे नेता हमार तो जान जब तोटो मार दे अब कह दे तुम के देबा ना दे तब बाबू के कह दे दादी ने अब कोई हिचत था बाटी की हम के देंगे लेकिन फुटू जमा नहीं तब का कर दू अरे ई तू ऐसा क्यों बोल रही बोली तो आप अभी जा रहा छुपा रही थी बोली को बोल अच्छा हाल बढ़िया है राशन मिलल बल्ले की जाता है सब प्रधान कर था मैं तो प्रधान कहले बाटे हां नहीं तो ये चुनाव तो उसका नहीं अभी दे ले हमें रोटे रोट बनवा अरे ओटवा जगह विचार में आए थे कि दे दे जाए और का काजल साथ के अरे केहू दिए बीजेपी को देंगे केहू के देवे कल जाई अच्छा। दिया जाए। सामने सड़क दिखाई दे रही है इस पे हम लोग जब छोटे थे बचपन में हम लोग साइकिल पे यहाँ बैठते थे और इतना ये ढलान था कि वहाँ तक जाके साइकिल अपने आप गिरती थी अच्छा। ये हालत था गांव का कोई नाली नहीं कोई खड़ंजा नहीं ना कोई सीसी कुछ था ही नहीं ग्राम पंचायत में इसको कांग्रेस क्यों ऐसा क्यों बीजेपी नहीं काम कर रही है क्या क्या काम कर रही है नौकरी खा गई ना डीए दे रही ना चारे दे रही है सब कुछ सारा चीज संविदा पे कर दी रेलवे दी किसको कोई वोट नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है लोग चुनाव यात्रा में निकले थे और चुनाव यात्रा में चलते चलते हम लोग एक ऐसी जगह एक ऐसे गांव में आ पहुँचे हैं जहां पे आप देखेंगे कि यहां पे अगल बगल दिखाई काफ़ी ज़्यादा यहां पे विकास हुआ है। यहां के जो ग्राम प्रधान हैं वो काफ़ी विकास किए हैं। यहां पे मैं गोरखपुर के एक छितौना जो गांव है वहां पे आ पहुंची हूं जो खोरापार ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि यहां जब मैं आई ना तो फर्स्ट टाइम ऐसा मुझे लगा कि यहाँ पे तमाम तरह की आप देख सकते हैं कि मेरे अगल बगल जो हैं काफ़ी लाइटें लगी हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। तो मैं सोची कि क्यों ना यहाँ पे यहाँ के गांव प्रधान से बात किया जाए यहाँ के लोगों से बात किया जाए क्योंकि जब मैं यहाँ पे आई थी तो इसके पहले ये पता चला कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वो काफ़ी ज़्यादा विकास किए हैं। सारी लाइटें लगवाना हर एक चीज़ हर एक व्यवस्था देना सड़कें ये सड़कें जो हैं पहले ऐसी नहीं थी काफ़ी अच्छी हो गई हैं तो ये सारे विकास हुए हैं। और हम कोशिश भी करेंगे लोगों से बात करने का। यहाँ पे अच्छा लगता है जो ग्राम प्रधान इतना अच्छा विकास कास किए हैं। हाँ, बताओ क्या कर रहे हैं बहुत अच्छा तुम बहुत बोल रहे हो बताओ आजा आजा बताओ बोला जाता है बताओ कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही तो बताओ यहाँ पे ये जो विकास उकास हुआ है बोलो ये बहुत निक लगता है अच्छा लगता है निक लगता है अच्छा अच्छी बात है तो वही तो बोलना है। और ये बताओ निक निक खाना मिलता है निक निक खाना मिलता है दोस्त भी मिलते हैं स्कूल जाते हो हाँ जाते हैं अच्छा तो आप निक निक खाना भी मिलता है आओ तुम बताओ पढ़ने जाते हो किस क्लास में पढ़ते हो फाइव में क्या क्या आता है पढ़ने में पढ़ने आता है क्या हिंदी आता है इंग्लिश आता है अच्छा ये बताओ प्राइवेट स्कूल में जाते हो कि गवर्नमेंट में गवर्नमेंट में अच्छी पढ़ाई होती है कैसी पढ़ाई होती है अच्छी कितने टीचर हैं वहाँ पर 26 26 टीचर है मतलब अच्छा है क्या नाम है स्कूल का कंपोजिट विद्यालय छिंदौना नहीं हाँ कहीं और जाते हो मिर्जापुर अच्छा मिर्जापुर में जाते हो इसके बगल में पड़ता है अच्छा ये बताओ यहाँ पे जो ग्राम प्रधान है कि नहीं यहाँ पे जो लाइटें वाइटें हैं तो कैसा लगता है तुम्हें बहुत अच्छा लगता है यहाँ प्रधान बहुत अच्छे हैं बहुत विकास किए हैं तब तो तुम्हें मतलब गांव में शहर जैसी एकदम अच्छा लगता होगा चाहे कैसे रात को ये जो पूरा लाइटें दिखती होंगी बहुत अच्छी दिखती है ना। आपको बता दूं कि जो गांव के प्रधान का नाम है वो दिनेश यादव जी हैं तो मैंने कोशिश की कि इनसे बात हो जाए तो ये मुझे मिल गए और मैं बात करने की कोशिश करूंगी। सर आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में धन्यवाद आपको। सर इस गांव के बारे में बताइए कि कैसे इतना विकास किया। विकास तो उसके लिए नींव रखनी पड़ती है ग्राम पंचायत तैयारी करना पड़ता है किस स्तर पर गांव है किस स्तर पर ले जाना है उसको उसके हिसाब से तैयारी की गई थी और उसी के आधार पर लाया गया है ऊपर और भी अभी कुछ काम बाकी हैं जो चल रहे हैं। सर तैयारियां किस तरह से की गई थी नहीं तैयार अदर मैंने अदर गांव में भी मैं गई हूँ देखी हूँ वहाँ पे ऐसा विकास नहीं दिख रहा है मुझे। नहीं हम लोग बाहर रहने वाले लोग हैं दिल्ली बम्बई रहे हुए हैं तो हम लोगों को पता था कि गांव में कुछ ऐसा नमूना बनाया जाए कि लोग देखें कि ये गांव के ऊपर उठ के काम विकास कार्य हो जाए क्योंकि बाकी गांव में जो गांव का सिस्टम है प्रधान लोग क्या करना चाहते हैं उनका नहीं पता है लेकिन हमें किस स्तर पर करना था उसको हम नींव भरे और 2005 से ही तैयारी करते हुए अपने गांव में किस स्तर पर गाँव को ले जाना है किस स्तर पर नालियाँ बनानी है कैसे सड़क बनना है सारी तैयारियां किया गया है उसके आधार पर गांव का विकास हुआ है। सर इसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं अमर उजाला जो है पेपर उत्तर प्रदेश में मतलब इसको फर्स्ट स्थान अपने दिया है।
नहीं, पुरस्कार तो कई मिल चुके हैं। अमर उजाला सर्वश्रेष्ठ सरपंच उत्तर प्रदेश मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हमारी ग्राम पंचायत को। अभी हाल ही में अभी मेडल नहीं मिल पाया, लेकिन ग्राम पंचायत को मुख्यमंत्री पुरस्कार के तौर पे 25 लाख रुपया पुरस्कार मिल चुका है। ऐसे काम किया जा रहा है। तो क्या लगता है सर कि अभी मेडल की तैयारी चल रही है आपकी? नहीं, मेडल तो मिलते ही जा रहा है, तैयारी नहीं है उसकी। जो काम करे रहेंगे तो मेडल तो मिलना ही मिलना है। तो मेडल लाने की तैयारी है इस गांव में? जी जी, मेडल आ चुका है, मुख्यमंत्री पुरस्कार का भी मेडल मिलना है और तमाम मिल चुके हैं कई लोग कई जगह। कौन सा मेडल मिल चुका है? राष्ट्रीय पुरस्कार का मिल चुका है, अमर उजाला सर्वश्रेष्ठ सरपंच प्राइवेट में मिला है। अब मेडल मायने नहीं रखता है, मायने रखता है गाँव का काम। गाँव का काम अच्छा रहेगा तो आज नहीं तो कल कुछ न कुछ मिलना ही मिलना है। जो आपने लाइटें लगाई, कैसे कैसे आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि मुझे? कहा तो रहे आपको, हम लोग बाहर रहने वाले लोग हैं, ग्राम पंचायत को किस स्तर से उठाना था, कहां से लेके जाना था, उस स्तर से तैयारी किया गया। तैयारी करने के बाद इस स्तर तक गांव पहुंचा है। अच्छा, गांव के अदर भी प्रधान है, अदर गांव में भी प्रधान है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी अलग सोच है, उनका अलग रवैया काम करने का, हमारा अलग है। अब हर आदमी की सोच एक थोड़ी होगी, हो सकता है उनकी सोच कुछ और हो, हमारी सोच कुछ और है। हम तो बार बार यही चाहते हैं कि गांव को किस स्तर से उठाया जाए कि शहर से भी अच्छा बन सके। जो आपके सामने सड़क दिखाई दे रही है, इस पर हम लोग जब छोटे थे बचपन में हम लोग साइकिल पे यहाँ बैठते थे और इतना ये ढलान था कि वहाँ तक जाके साइकिल अपने आप गिरती थी। अच्छा, ये हालत था गाँव का, कोई नाली नहीं, कोई खड़ंजा नहीं, ना कोई सीसी, कुछ था ही नहीं गाँव ग्राम पंचायत में। और पूरी जमीनी तैयारी करते हुए इस गाँव को आगे बढ़ाया गया। अच्छा, जमीनी तैयारी करके। ये तो है सर की लाइटें हैं, पूरी लाइटें हैं, सब कुछ आप दिखाइए कि कितना अच्छा। इधर बैग की चीज़ें हैं, मुझे खुद काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस गांव के बारे में सर। और ये गांव तो सबसे यूनिक बन ही गया है, अब किस तरह की तैयारी आप करना चाहते हैं? नहीं, अभी इसको और सजाना है, अभी तमाम काम करने हैं। अभी तो ग्राम पंचायत के लिए आटा चक्की, ये धान कूटने की मशीन, ये सब तमाम सुविधाएं देने जा रहे हैं। ये लगभग तो 4 महीने भी पूरा हो जाएंगी। यहाँ पे एक दादी जी मिले हैं, और दादी कैसी हैं? और ठीक ठीक हैं। क्या हाल चाल है? बढ़िया। अच्छा हाल, बढ़िया है। राशन मिलल बल्ले की जाता। अच्छा, राशन मिला है। अच्छा, ये बताइए, विकास हुआ है इस गाँव में? विकास हुआ है, लाइट वाइट लगी है? लाइट हाँ लगी, लाइट 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 हाँ। 2 मिनट रुक तो जाइए। अरे हम क्या भीड़ होता। अच्छा चल चलिए, चलते 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 बात करते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये बताइए कि प्रधान जी क्या क्या किए हैं आप लोगों के लिए? प्रधान जी बहुत किए हैं। अच्छा, बहुत किए हैं, बहुत। क्या क्या किए हैं? अरे अब प्रधान जी भुला गए नहीं हम, प्रधान जी से पूछ लिए का कैले हैं। अरे आपके लिए किए और आप भूल गई हैं राशन वोशन? ऐसा है कि दिमाग ना काम करा लाया, ऐसे हमन के थोड़ा। अच्छा, ये बताइए आपके घर में राशन कार्ड ओड है सबका? हाँ, बढ़िया से। एक आदमी है कहे? एक ही आदमी? हाँ, एक आदमी है, अकेला है। अच्छा, आप अकेले ही रहती हैं? अकेले रहती और घर में कोई? 5 किलो मिला ला महीना भर चला ला। महीना भर 5 किलो में चल जाला? ये ले ले पिटिया इनमें चल जाला तब का। अच्छा, अकेली है और घर में कोई फैमिली में नहीं है? कोई नहीं है, कोई नहीं। अच्छा अच्छा, हम 5 किलो पाई ली थी। आप कैमरा क्या बोल रहे? अरे चेहरा क्यों छुपा रही है ये तो बताइए। अरे भाभी आप बता दीजिए चेहरा क्यों छुपा रही है? अच्छा ये बताइए, चलिए चेहरा छुपा के इधर सुनिए सुनिए, नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है ये हट। वो देखिए वो चले गए, जिनसे आप चेहरा छुपा रही वो तो चले गए। कहाँ कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगा। अरे अच्छा नहीं बोलेंगी। अच्छा ये बताइए, विकास हुआ है कि नहीं आपके गांव में चितौना में? नहीं बोलेंगी, ये तो बोल ही नहीं रही है। चाची आप ही बता दीजिए विकास हुआ कि नहीं। इधर देखिए, हमरे कहा ही नहीं कुछ भाई, कहे ना बा कुछ कहे ना बा, जैसे आप कहे हैं कि हमके कहा ही नहीं कुछ भाई, वैसे बोलेगी बा। अच्छा आप बताइए विकास हुआ है? बहनी जो विकास बात लौकत है, बस समानवा गाँव में काफी अच्छा विकास हुआ है ना? हाँ, एकदम मस्त, पूरा एकदम लाइट वाइट लगा है। हाँ, तब शौचालय उचालय मिला है कि नहीं आपके वहाँ? मिलल बा। मिला है?
सब जाता तब वो सड़क अपना खाली बात कहे ऐसा ऐसा क्यों शौचालय मिलने के बावजूद भी घर घर शौचालय है ना यहाँ घर शौचालय घर घर शौचालय है मिलने के बावजूद भी ऐसे कर तब वो ऐसा सब करता था लाइट उठ है कि नहीं लाइट है अच्छा ये बताइए चुनाव आ गया है वोट किसको देना है वोटे को बड़े मालूम किसको दे प्रधान के अरे प्रधान किसको रवि किशन को देना है काजल निषाद को देंगी बोलो गुड्डी माई अरे आप लोग तो इतना इधर आते हैं आप तो नहीं शर्मा रही है ना ये बताइए आप कहे भाई कुछ कहे ना भाई ये पूछा था कि विकास भइल बा कि ना हां भइल बा भइल बा का का शौचालय मिले हां पे खाना भी बनल बा आ गांव गांव घरे घरे रोड बा बिजली बा हां ये कुल बा अच्छा बिजली बा हां अच्छा जो सांसद जी हैं यहाँ से रवि किशन जी आपकी बार उन्हीं को वोट देना है अरे भाई नहीं अभी इनको खुशी की बात है जो कि मैं कहते कि सब दे कहे अब कह दे कम दे पे तो अब काम हम किए हैं कि नहीं वो ये बताइए रवि किशन जी प्रधान जी देखिए प्रधान जी तो आपके काम किए हमन के सब प्रधान करत हमे तो प्रधान कहले बाटे हां नहीं तो ये चुनाव तो उसका नहीं है ना भी देले हमे रोड रोड बनवले बाटे आ बिजली पंखा लगवा देले हमे हां सब तो प्रधान कहले हमे हमन के कौन आ जाइए क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं बाबा जी क्या हुआ कहले के मतलब हमरे ई बा की तीन देता तो बाद में यहाँ प्रधान तो रोज का बाटे हाँ, रोज की बाटे ना प्रधान काम किए हैं आपके करता बाटे गरीबन की देखभाल उहन करता हूँ दूसर के करता हाँ तो आप इनके काम से खुश हैं ले ये खुश ना ही रहती तो बैठ के दरवाजे पर उनके राशन आने होती अच्छा हाँ राशन मिल रहा है हाँ अच्छा कितना राशन मिलता है हम दो परानी बाटी 10 किलो मिले अच्छा 5 किलो एक कार्ड में हाँ कौन सा कार्ड है अरे सफेद वाला हाँ हाँ सफेद वाला ही है ना हाँ और शौचालय वौचालय मिला है कि नहीं मिला है और जो ये चुनाव है चुनाव का तो सुन ही रहे होंगे हाँ? बहुत ज्यादा चल रहा है हाँ? की उठवा दे हमार जहाँ मन करी तो हमार दे कम लौका लगे हुई नहीं कहता कहाँ खुलवा दे अच्छा हाँ बहुत नेता बाटा तन के खुलवा न दे अखिया अनहर आदमी कौन मार दे अच्छा ऐसा है सामने आए तो मारा जाए क्यों देता है आप आँख खोलवा दे तो वोट दे दे हाँ कैसा कार्ड नहीं है क्या आपके पास अरे कार्ड हम इनके गरीब आदमी के रहता अरे कार्ड रहता तभी उससे तो इलाज होता है 5 लाख का मुफ्त इलाज होता है तो केहू तो नेता ना ही ऐसा की बनवा दे तो कहा है आप लोग प्रधान जी से बोले नहीं का बोले जब प्रधान जी जब जनता बाटे कि हमारे गांव में हमारो वोटेदार सजी आधा अनहर बाट है हाँ तो ले ब्रेंच लगवा खोलवा दे सजी के अनहर का अभी तो वो इतना विकास किए हैं विकास तो किए हैं ना हाँ हर एक चीज किए हैं रोड पे पूरा एकदम मुझे दिख रहा है पूरी लाइटें अच्छा ये बताइए जो अदर गांव है वहाँ पे इतना विकास नहीं दिखता है कहाँ हाँ वहाँ कौन विकास यहाँ पे काफी काम है हाँ वो का भाई कहीं नहीं भरूगा ना अच्छा तो क्या लगता है आपको कि आदर प्रधान काहे नहीं करते हैं अब हम का जानी प्रधान काहे नहीं करता हूँ कौन ने हमारे दबाव प्रधान कर तो और चाचा आप बताइए ओटवा के के दे ओटवा के बात अरे ओटवा जे के विचार में आए थे के दे दल जाई हां और का काजल ने साथ के अरे के हुक दिए बीजेपी को देंगे के हुक तो देवे कर जाए अच्छा। ना दिया जाए काम कौन कर रहा है ये बताइए काम कौन कर रहा है काम इतनी घड़ी बीजेपी काम की है कि नहीं बहुत कर ले बा बहुत कर ले बा ना और कोई पार्टी नहीं की ना और कौन को पार्टी अच्छा ये बताइए कौन सा काम बीजेपी का आपको सबसे अच्छा लगता है हमें कुछ ना लगता गंवार मुनई हम का जाने अभी तो आप कहे हैं कि बहुत काम किए हाँ जोन 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 कमवा भइल तो देखा था जोन देखा था ओके एक दो काम ऐसा है जो बता दीजिए का एक दो काम बता दीजिए कौन दो काम और बता दे एक आधे काम बताइए एक दो काम विकास हुआ है शौचालय बना है कि रोड बना है अरे वही शौचालय चालय मिलल तो बनल बा वो तो प्रधान जी बनवाए हां
शौचालय कहा है, कहीं ना मिलेगा शौचालय मिलेगा। और बीजेपी का काम कर रहे हैं और कुछ ना मिले, गोरखपुर जाते हैं कि नहीं जाते ही बाटे गोरखपुर बहुत काम करती है। सबकी लगा था वही की वोट मिली, अरे तो देखा जाए। अच्छा मतलब अंदर की बात ही नहीं बताएंगे, काली तखिया खोलवा दे नेता हमार तो जान जब टोटवा मार दे, अब दे देंगे जैसे सामने अब लौकी जोन तोरे मार दे हल जाए जब। अच्छा, कोई कोई भी पार्टी आग खुलवा देगी अब दे देंगे रिश्वत, ये तो रिश्वत हो गया है कि नहीं। अरे देखा है सामने जो पूरी जनता वही भी बात देखा जाए जोन सामने आयो के। और भैया आप भाग क्यों रहे हैं? अरे कैमरा माइक देख के आप तो चले ही जा रहे हैं, आप ही बता दीजिए। चाची जी आपसे नहीं पूछी हूँ मैं, और बताइए चाची क्या हाल चाल बा? सब ठीक है, हाल चाल बढ़िया ना? बढ़िया है। तब प्रधान जी काम के लिए बैठे चितौना में? बैठे काम किए हैं। और क्या क्या काम किए हैं? क्या क्या रोड बनवाए, शौचालय किए, शौचालय किए, मतलब पूरा एकदम चकाचक हो गया है गांव। कुछ कमी लगती है गांव में? अरे काम में कमी कम नहीं लगे, कम है तो कभी होगा कमी नहीं ना मतलब अगल। अच्छा ये बताइए जो अगल बगल का गांव है उसको देखती हैं आप और इस गांव की भी देखती हैं तो मतलब ज़्यादा विकास हुआ है ना यहाँ पे? विकास होला देखते हैं। वोट की के लिए वोट अब जिसके मर्जी जिसके दे दें, जिसके पास बीजेपी काम कर रही है। क्या क्या काम किए अब आप गोरखपुर में ना जाके देखा था जो यहाँ होता जो देखा यहीं पे बता दीजिए। हाँ। सिर्फ गोरखपुर में सांसद यहाँ पे भी तो हैं रवि किशन जी, वोट देख। और चाची वोट के हम तो बोल ली है बहनी। हाँ हमके पता वा लेकिन उटवा की दे। अरे देखा जाए जब उटवा वाला बात है तो देखा जाए। अरे तो पहली तारीख के ना दूर बा। अरे अब कही दे तू के दे बने दे तब बाबू की कह दे तारीख नहीं अब वही चा था वा बाटी की हम के देंगे जब फुटू जमाना तब का करबू। अरे तू ऐसा क्यों बोल रही? बोली तो आप ही चेहरा छुपा रही थी। बोली बोली हम नहीं बोल रहे, चेहरा छुपा रही है बताइए। चेहरा आ गई लोई हमें। हाँ, चेहरा तो आ गया होगा बताइए अब क्या छुपाने से। और आप ये जो छितौना है गांव है इसमें क्या क्या विकास हुआ ये बताइए सर। ऐसा कोई काम नहीं है ठीक है जो छितौना में ना हुआ हो। और अभी तो फिलहाल आप 6 महीने बाद आएंगी, एक नाला है उसमें जो रामगढ़ का फुहारा लगा हुआ है उस नाले में लगेगा। अच्छा। बारात घर भी बनेगा, बिजली का पावर हाउस भी बैठेगा यहाँ पे, हर एक चीज अभी तो बाकी है सारा चीज। अच्छा अभी बाकी है? अभी तो बाकी है। अभी तक कितना काम हुआ है ये बता? अभी तक जितना भी हुआ है ठीक है कम हुआ है, अभी तो फिलहाल सब चीज बाकी है, पेंडिंग है। ये तो सब ऊपरी स्तर का है, अभी जो निचला स्तर का है दिखाना है बना के वो तो अभी बाकी है, 6 महीना साल भर में वो भी तैयार हो जाएगा। फसल कट गई ना, फसल कट गई है उसी का वेट हम लोग कर रहे थे, उसके बाद सारा चीज होगा। 6 महीने बाद आएंगे तो दूसरा। जो यहाँ पे ग्राम प्रधान है यहाँ के दिनेश यादव जी, काफी विकास के मैंने देखा कि इसको मतलब कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं इस गांव को, तो इस पे क्या कहेंगे आपकी मतलब लाइटें लगी हैं और क्या क्या विकास हुआ है? विकास मुझे कोई मतलब यहाँ का 3 ऐसे विकास काम जो आपको सबसे अच्छे लगे हो। सबसे पहला तो जहाँ हम लोग रोड पे हैं, जिस गांव में हम लोग रहते हैं पहले वहाँ पे कोई भी रोड, हाँ छितौना में मेड़ खाल इधर से उधर रहता था उबड़ खाबड़, लेकिन आज घर के पास किसी ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे आरसीसी ना हो ठीक है, पहला काम है। दूसरा काम सब गांव में सबके वहाँ शौचालय है। तीसरा काम पूरे रोड पे लाइटें और ये जो जितना सब देख रही हैं ये सब हुआ है। हाँ ये तीनों काम यहाँ सबसे मतलब बेस्ट हुए हैं और सबके लिए हुए हैं, सबके लिए हुआ। यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा सब है। लगा हुआ है कि कोई भी अगर वारदात हो रही है हमारे गांव में तो तुरंत पता चल जाता है, लेकिन कुछ लोग हैं कि जिनको आप। अच्छा ये दिनेश यादव जी कब से प्रधान है यहाँ पे? अरे उनको आज 15 साल हो गया प्रधानी। 15 साल हो गया, 15 सालों में काफी काम किए हैं उन्होंने। अच्छा ये बताइए चुनाव का माहौल चल रहा है इस समय, वोट किसको जाएगा? कांग्रेस को।
कांग्रेस के हो, ऐसा क्यों? बीजेपी नहीं काम कर रही है क्या? क्या काम कर रही है? नौकरी खा गई ना, डीए दे रही ना, चारे दे रही है, सब कुछ सारा चीज संविधा पे कर दी, रेल भेज दी, किसको कोई वोट देगा? फिर से कांग्रेस आए। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बीजेपी से यही तो दिक्कत है, तब का बहुत बड़ी बेरोजगारी है। मुद्दा मतलब यहाँ का मुद्दा क्या है ये बताइए, जैसे कि बेरोजगारी हो गया या फिर पढ़ाई लिखाई, मतलब जो चीजें हो या फिर काम नहीं कर रही है, यहाँ का मेन मुद्दा क्या है जो जिस वजह से आप वोट देंगे और नहीं देंगे बीजेपी को? हम अपना पर्सनल थिंकिंग हमारा है, मैं कांग्रेस को दूंगा। अच्छा, आप कांग्रेस को देंगे, बाकी अपना अपना विचार, अपना अपना माइंडसेट है, जिसको जिसका जहाँ देना वो अपना देगा। कि छितौना गांव के लोग थे, यहाँ हमने तमाम मुद्दों पे बात की, यहाँ पे जो ग्राम प्रधान ने काफ़ी विकास किया है उन्होंने, और यहाँ पे किसको, यहाँ की जनता, यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो चाची दादी जो भी हैं, किसको वोट देने वाली है उन्होंने काफ़ी हमने बात करने की कोशिश की कि वो किसको वोट देंगी किसको नहीं, किसी ने स्पष्ट नहीं बताया है, लेकिन जैसे भी बताया, जो भी बताया आप देख सकते हैं। और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।